अस्सलाम वालेकुम बेटा, जल्दी से केमिस्ट्री की क्लास ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम जी सुमन बेटा, सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जबरदस्त हो गया। अच्छा तो मुझे बताएं बेटा, लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो चीजें क्लियर हो गई थी आपको सारी? यस सर, लास्ट वीक का याद है। तो इससे पहले वाली क्लास में कितने बच्चे थे सर? वो इससे पहले वाली क्लास में नहीं थी मैं। अच्छा, इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं ली। चलें अभी ये ज्वाइन करने देना, सवेरा आ गई है। ठीक है, सब ज्वाइन कर लेते हैं तो हम अपनी क्लास जो है ऐसे कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है 2-4 मिनट बेटा मैं ऊपर ही ले लूँ, सही है? तो क्लास आज हम ना अपनी आउटलाइंस की चीजें जो है वो पहले लेक्चर से रिलेटेड पूरी करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक हो गया जी। चलें बेटा फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक दफा बेटा मैं दोबारा वेलकम कर रहा हूँ आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज जो बेटा हम चीज पढ़ने जा रहे हैं, देखें MDCAT आपके पास जो है 2021 के लिए, ये बेटा मैं लेक्चर आपसे कंडक्ट कर रहा हूँ सेकेंड, और इस सेकेंड लेक्चर को मैं कंडक्ट कर रहा हूँ किसके लिए बेटा? केमिस्ट्री के लिए। आज के जो टॉपिक बेटा मैं देखना चाहता हूँ आपके साथ डिस्कशन में, लास्ट टाइम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पे हमने बात खत्म की थी, तो आज बेटा आइसोमरिज्म की रिमेनिंग बांट रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद बेटा जी फंक्शनल ग्रुप, ये दो सिंपल से टॉपिक्स हमारे पास रिमेनिंग है जिसके ऊपर बेटा अब मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। ठीक है, तो अभी जो है वो फिर हम अपनी क्लास जो है उससे बेटा स्टार्ट करते हैं। अब देखें, ठीक हो गया बेटा जी। तो अब देखें जो मैं बात करने जा रहा हूं बेटा, यहां पर पहली हमारे पास, हम आइसोमरिज्म पर हैं। आइसोमरिज्म के अंदर आज जो चीज बेटा हम देखना चाहते हैं, आज पहले बेटा ही मैं बात करूंगा इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की अगर मैं बात करूं तो बेटा हमारे एनएमडी कैट के लेटेस्ट कोर्स में इसमें दो चीजों की डिस्कशन जो है उसे पार्ट बनाया गया है। एक हमारे पास है सिस ट्रांस, और दूसरी बेटा हमारे पास जो है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इसमें आती है जिसको हमने देखना है। ठीक है, और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में फर्दर जो चीज हम देखना चाहते हैं कि इसमें एक बेटा बेटा वैसे ई एंड जी भी होती है, ई एंड जी, लेकिन ये हमारी आउटलाइंस में शामिल नहीं है। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में दो बातें जो है इस पर हम डिस्कशन करेंगे मेरा बेटा आज,
और इसमें पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास अल्कीन्स, कि अल्कीन्स के अंदर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म कैसे एग्जिस्ट करती हैं। या मेरा बेटा हमारे पास हम बात करेंगे साइक्लो अल्कीन्स की, इनके अंदर हम आइसोमरिज्म जो है उसको डिस्कस करना चाहते हैं। अब अगर हम अल्कीन की बात करें तो अल्कीन्स के अंदर पहले बात याद रखें बेटा, दो कंडीशंस हैं आइसोमरिज्म के एग्जिस्ट होने के लिए। पहला है कि डबल बॉन्ड कार्बन की वजह से जो रोटेशन है, क्या चीज है बेटा, रोटेशन, उसका ब्लॉक होना, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन ब्लॉक होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन हमारे पास बनती है। दूसरी बात मेरा बेटा, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वो मस्ट कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप्स, यानी ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इनके साथ ये जो मैंने ग्रुप अटैच किए हैं ए एंड बी, वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट, इन दोनों का डिफरेंट होना जरूरी है। इनके सेम होने से हमारा काम जो है वो नहीं चलेगा, दे मस्ट बी डिफरेंट, ये दो कंडीशंस हैं। इसी तरह साइक्लो अल्केन्स के लिए भी बेटा आपके पास कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि रिंग की वजह से रोटेशन ब्लॉक हो, कि रिंग रोटेशन ब्लॉक करे, और दूसरा है टू अल्काइल ग्रुप्स, दो अल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए एट डिफरेंट पोजिशन, यानी दो अल्काइल ग्रुप होने चाहिए दोनों, यानी दोनों के लिए सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को एग्जिस्ट होने के लिए दो कंडीशंस हैं, रोटेशन अल्कीन्स में ब्लॉक होती है डबल बॉन्ड की वजह से, और जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे आप यहां पर देखें, अगर मैं इस पार्ट को बेटा सर्कल कर दूं तो बोथ ए एंड बी मस्ट बी डिफरेंट, और दूसरे में रोटेशन ब्लॉक होनी चाहिए रिंग की वजह से, और जो दोनों अल्काइल ग्रुप हैं वो सेम पोजीशन पर नहीं हो सकते, दे मस्ट बी एट डिफरेंट पोजीशन। अब सबसे पहले देखें बेटा, मैं आपके साथ सिस और ट्रांस आइसोमर का एक कंपैरिजन रखने वाला हूं, इसमें मैं बेटा 8 बातें करूंगा और उसके बाद आप सिस ट्रांस से रिलेटेड हर तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं बेटा इस तरफ लिख रहा हूं सिस आइसोमर, और इस तरफ मैं लिख रहा हूं ट्रांस आइसोमर। ये आप लोगों के लिए एक शॉर्टकट है, आपने ये पॉइंट्स याद रख लिए, इसका मतलब है ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। जो सिस आइसोमर होता है, पहली बात याद रखें, इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, और जो ट्रांस है इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, लेकिन कब, इफ अल्काइल ग्रुप्स आर सेम, अगर जो अल्काइल ग्रुप हैं वो दोनों सेम है तो सिस जो है वो डायपोल मोमेंट रखेगा और ट्रांस के अंदर डायपोल मोमेंट नहीं होगी। दूसरी बात, सिस का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, बिल्कुल ठीक है, ट्रांस का डायपोल मोमेंट भी नॉन जीरो होगा, इसके केस में होगा मिनिमम और इसके केस में होगा मैक्सिमम, कब मेरा बेटा, इफ बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि सिस का आइसोमर जो है उसका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होता, एड अप हो जाता है। ट्रांस का जीरो हो सकता है अगर अल्काइल ग्रुप सेम है, और ट्रांस का मिनिमम होगा अगर आपके पास दोनों अल्काइल ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, वो एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसिल करेंगे। अच्छा जी, तीसरी बात जो आपने याद रखनी है, जो सिस आइसोमर है ये होता है नॉन सिमेट्रिक, और जो ट्रांस आइसोमर होता है वो होता है सिमेट्रिक,
इसमें सिमिट्री है और इसके अंदर सिमिट्री प्रेजेंट है नहीं है। चौथी बात बेटा जी, जो सिस आइसोमर है इसकी होती है वीक पैकिंग, और जो ट्रांस आइसोमर है इसकी होती है स्ट्रॉन्ग पैकिंग, कि वो वीक पैकिंग रखता है, ये स्ट्रॉन्ग पैकिंग रखता है। अच्छा जी, ये हो गई बेटा जी हमारे पास चार बातें, कि एक की पैकिंग वीक है, दूसरे की पैकिंग क्या है स्ट्रॉन्ग है। अब मैं पांचवी बात कर लेता हूं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो जो सिस आइसोमर होता है इसमें होती है स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और मेरा बेटा जो होता है ट्रांस इसमें होती है वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। छठी बात मेरा बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर बॉइलिंग पॉइंट बेस करता है, तो इनके होते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट, और जो ट्रांस होता है इसके होते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने याद रखना है कि ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट लो, सिस का बॉइलिंग पॉइंट हाई, मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पर बेस करता है। ठीक हो गया। तो जो सिस है आपके पास इसका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, और जो ट्रांस होते हैं इनका होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि पैकिंग स्ट्रॉन्ग है तो पैकिंग को ओपन होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इन्हीं चीजों को, दोनों को मेरा बेटा बेस बनाकर, ये जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है इनको बेस बनाकर आठवीं बात, और वो मैं सबसे इंपॉर्टेंट करूंगा, जिसे हम कहते हैं लिक्विड रेंज। लिक्विड रेंज, तो लिक्विड रेंज जो सिस आइसोमर होता है इसकी होती है आपके पास ग्रेटर, और इसकी आपके पास जो है वो ये रेंज आपके पास क्या होगी स्मॉलर। तो ये पॉइंट मुझे बताएं बेटा क्लियर हुए हैं। लाजमी तौर पर एट एवरी कास्ट बेटा यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा, ये आप नोट कर लें, वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी भी कास्ट पर यहां से दिया जाएगा। कैसे, इसका रेफरेंस मैं आपसे बनाता हूं कि वो कैसे यहां से आपको ऑब्जेक्टिव देगा। तो मेरा बेटा मैं आपका फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आठ का लिख रहा हूं। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा सर, ये लिक्विड रेंज जो आपने लिखा है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? लिक्विड रेंज का मतलब बेटा ये होता है कि किस टेम्परेचर से कहां तक कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब देखें, एक चीज का मेल्टिंग पॉइंट लो है और उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान गैप ज्यादा होगा, इसका मतलब है उसकी लिक्विड रेंज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ गए बेटा? यस सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। अब देखें, मैं मल्टीपल चॉइस जो है वो यहां पर ले लेता हूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट हैं, एक्सेप्ट, इसका मतलब है कोई एक स्टेटमेंट होगी जो करेक्ट नहीं होगी। तो अल्फा बेटा मैं लिख लेता हूं कि सिस आइसोमर उसका जो डायपोल है वो आपके पास नॉन जीरो है, एंड ट्रांस आइसोमर जो है उसका डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। बेटा मैं लिख लेता हूं, सिस आइसोमर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस आइसोमर। चार्ली में लिख लेता हूं, सिस आइसोमर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट देन ट्रांस आइसोमर।
अब डेल्टा में मैं लिख लेता हूं, सिस आइसोमर इज सिमेट्रिक देन ट्रांस आइसोमर। तो मुझे बताएं बेटा एक्यूरेट आंसर कौन सा हुआ? शाबाश, डी सिस जो है वो नॉन सिमेट्रिक होता है। जबरदस्त। अब देखिए बेटा ये 8 पॉइंट मैंने आपको जो है 8 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। इन 8 पॉइंट्स से आपके पास बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। देखें यहां से वो 3 एक्यूरेट स्टेटमेंट ले ले और किसी एक स्टेटमेंट को गलत कर दे, ठीक है, कोई सी भी 3 स्टेटमेंट वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ले सकता है, ठीक है, वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे ले सकता है, वो पैकिंग पे ले सकता है, सिमेट्री पे ले सकता है, डायपोल मोमेंट पे ले सकता है, लिक्विड रेंज पे ले सकता है। तो लाजमी तौर पर बेटा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो इंटरेस्ट टेस्ट में दिया जाता है, इसलिए आपका इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शेयर करने लगा हूं जो एमडी कैट 2019 में आया था। एमडी कैट 2019 में वो क्या था, वो कहा गया था विच वन ऑफ दीज पोजेस ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, किन में से कौन है जिसमें ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होनी चाहिए। अल्फा ऑप्शन मेरा बेटा मैं यहां पर ले लेता हूं कि किसमें ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है, मैंने लिखा CH2Cl4। बीटा मेरा बेटा मैंने लिख दिया है C2H2Br2। चार्ली मेरा बेटा लिख दिया है C2HCl3 और डेल्टा मैंने लिख दिया है C2H2, आपके पास केवल के H1 C2H1, ये बल्कि थोड़ा सा मैं इसे जरा करेक्ट कर लूं, मैंने लिखा बेटा C2H1 और Br3। तो मुझे बताएं इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर बनता है। शाबाश जी बेटा, तो बताएं कौन सी राइट चॉइस है। हाँ जी राइट चॉइस बेटा एक्सप्लेन करें जी। बेटा जी गलत आंसर दे सकते हैं, बताएं हाँ जी सवेरा कौन सा आंसर होगा बेटा। अब देखिए मैं यहां पर अगर मैं अल्फा के ऑप्शन की बात करूं, 2 कार्बन है मैंने उनको अटैच कर लिया बीटा, जबरदस्त बेटा 2 हाइड्रोजन हैं वो मैंने अटैच कर दिए, 4 Cl हैं, तो इसमें तो सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो इसमें तो किसी तरह की आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी ज्योमेट्रिक। सेकंड में आ जाए तो 2 कार्बन है, आपके पास 2 हाइड्रोजन है और 2 Br है, दोनों H अगर आप सेम साइड पे लगा दें, दोनों Br ऑपोजिट साइड पे लगा दें, तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगी। आप यहां पर आ जाएं, कार्बन कार्बन आपने डबल बॉन्ड ले लिया, अब आपके पास 1 हाइड्रोजन है और आपके पास 3 Cl है, इस तरफ देखें कंडीशन आपके पास क्या हो गई, फेल हो गई। इसी तरह डेल्टा के केस में भी जब आप डबल बॉन्ड ले लेंगे और आप मेरा बेटा 3 Br अटैच कर देंगे तो आपके पास नेसेसरी कंडीशन जो है वो यहां पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपकी बेस्ट चॉइस, आपका आंसर यहां पे कौन सा बन रहा है बेटा, बीटा। ठीक हो गया बेटा। अब देखें एक ऑब्जेक्टिव इसी रेफरेंस का मैं और ले लेता हूं जो आपके पास 2016 में दिया गया था, वो ये था विच वन ऑफ दीज शो सिस ट्रांस आइसोमर्स। अल्फा ऑप्शन बेटा मैं लिख रहा हूं फ्यूमेरिक एसिड, बीटा ऑप्शन मैं लिख रहा हूं
मैलिक एसिड। चार्ली ऑप्शन बेटा जी मैं यहां पर लिख रहा हूं, वन पेंटीन, और डेल्टा ऑप्शन मैं लिख रहा हूं बोथ अल्फा एंड बीटा। तो मुझे बताएं बेटा अब आपका राइट आंसर कौन सा है। शाबाश, वेरी गुड, डेल्टा। तो आप भी बेटा आंसर करें, अनीजा, सुमन, आप बेटा आंसर करें कौन सा बनता है। हाँ जी, आपका माइक चल रहा है, आंसर करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर बेटा डेल्टा है। डेल्टा कैसे है, अब आपको फ्यूमेरिक का और इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है मैंने बनाया, और एक में सी डब्ल्यू एच दोनों सेम साइड पे लगा दिए, और यहां पर एच एच लगा दिया। तो ये होता है हमारे पास मैलिक एसिड। और अगर आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लें और दोनों एच ट्रांस लगा दें, दोनों सी डब्ल्यू एच ट्रांस लगा दें आपके पास, तो ये बेटा होता है फ्यूमेरिक एसिड। क्लियर हुई बात आपको बेटा। तो देखें, ये दोनों आपस में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करते हैं। वन पेंटीन में ऐसा कोई चांस नहीं है, क्योंकि वन पेंटीन में फर्स्ट कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन है, तो नेसेसरी कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होती। बाकी अगर आप एक हाइड्रोजन लगाएं तो एक सी टू एच फाइव ग्रुप लगाएं तो ऐसे आपके पास पॉसिबल है। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब इसी तरह बेटा जी, एक आपके पास 2019 में ही सिस ट्रांस आइसोमरिज्म से एक और ऑब्जेक्टिव दिया गया था। वो दिया गया था कि विच वन ऑफ दीज शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, कि इनमें से वो कौन सा है जो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म बेटा शो करता है। तो अल्फा आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ था साइक्लोप्रोपेन का, बीटा मेरा बेटा स्ट्रक्चर बना हुआ था साइक्लोप्रोपेन का कंटेनिंग वन मिथाइल ग्रुप, चार्ली स्ट्रक्चर बना हुआ था साइक्लोप्रोपेन का कंटेनिंग टू मिथाइल ग्रुप एट सेम पोजिशन, और डेल्टा बेटा आपके पास बना हुआ था इसी तरह से साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर, लेकिन दोनों मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन डिफरेंट थी। तो मुझे बताएं बेटा राइट आंसर कौन सा बना। जबरदस्त मेरा बेटा, डेल्टा, वेरी गुड, बिल्कुल एक्यूरेट बेटा आंसर दिया आपने। अच्छा जी, सवेरा नाज, ठीक हो गया, शाबाश बेटा। तो दोनों ने एक्यूरेट बेटा आपने आंसर दिया है। अब देखें, साइक्लोप्रोपेन के अंदर कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, नो अल्काइल ग्रुप, और इसके केस में क्या है, वन अल्काइल ग्रुप, उससे आइसोमरिज्म नहीं होती, इससे टू है बट सेम पोजीशन। तो मेरा बेटा पोजीशन का क्या होना जरूरी है, पोजीशन का डिफरेंट होना जरूरी है। अगर पोजीशन डिफरेंट है तो फिर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होगी। समझ रहे हैं बेटा आप बात। तो ये चीज इस तरह से आपके पास जो है वो कंप्लीट होगी। अब इसी तरह से मेरा बेटा हम बात जो है वो एक्सटेंड कर लेते हैं। अब मैं बात करूंगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, या अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें, तो बेटा इसमें हम अपेरेंटली दो की बात करते हैं, प्लस और माइनस। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमें दो पता चले हैं। प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माइनस का मतलब है लीवो रोटेटरी। ठीक है, ये शो करता है क्लॉकवाइज रोटेशन, और इसमें शो होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन।
ये क्या होते हैं, ये है क्लॉकवाइज, मैंने जरा गलत लिख दिया, डेक्स्ट्रो आपके पास क्या होगा, ये होगा क्लॉकवाइज रोटेशन, या आप इसे क्या कह सकते हैं राइट रोटेशन, और ये आपके पास क्या होगा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, या मेरा बेटा आप इसे क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं लेफ्ट साइड रोटेशन। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे पास है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अगेंस्ट बिहेवियर दो शो करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली उनकी दो टाइप्स हैं, यानी ये लीवर रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट है, यानी थ्रू एक्सपेरिमेंट हमें पता चला है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स दो हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी बिहेवियर शो करता है, दूसरा लीवो रोटेटरी बिहेवियर शो करता है। अब इसमें सबसे पहली चीज बेटा आप देखें जरा, आपके पास कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है हमें पता होना चाहिए, कंपाउंड्स जो आपके पास डिससिमेट्रिक हैं, आर ऑप्टिकली एक्टिव, कैसे कंपाउंड जो डिससिमेट्रिक हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। मसलन बेटा ये मैं कंपाउंड ले लेता हूं सी डबल ओ एच, सी एच थ्री ओ एच और एच, ये सेंटर में भी हमारे पास एक कार्बन है, इस कंपाउंड में बेटा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, वन टू थ्री फोर, फोर के फोर ग्रुप्स आपके पास क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो ये डिससिमेट्रिक है, इसे हम कहते हैं प्लस लैक्टिक एसिड। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और ये ब्लू से मैं बना रहा हूं इसकी मिरर इमेज, तो मेरा बेटा ये जो इसकी मिरर इमेज है और ये जो खुद हैं, ये आपस में देखें इनके भी चारों ग्रुप्स क्या हैं, अब ये कंपाउंड प्लस लैक्टिक एसिड है, ये है माइनस लैक्टिक एसिड, और ये दोनों आपस में कौन सी इमेजेस हैं, ये दोनों आपस में जो रिलेशन रखते हैं ये है मिरर इमेजेस टू ईच अदर, और इनकी मिरर इमेजेस जो हैं ये है नॉन सुपर इम्पॉसिबल, पहली बात कि बेटा ये मिरर इमेजेस हैं, दूसरी बात मेरा बेटा ये है नॉन सुपर इम्पॉसिबल, कि इन मिरर इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। तो अब बेटा जी ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं देखें, ये है प्लस लैक्टिक एसिड, ये है माइनस लैक्टिक एसिड, तो ये दोनों आपस में जो रिलेशन रखते हैं इसे हम कहते हैं इनेंशियोमर्स, तो इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, इसमें बेटा दो बातें याद रखें, इनेंशियोमर्स आपके पास क्या हैं, आइसोमर्स हैं, ये तो बात कंफर्म है, अब पहली चीज ये क्या है, मिरर इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस, दूसरी बात नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, कि इन्हें एक दूसरे के ऊपर प्लेस नहीं किया जा सकता, ठीक हो गया मेरा बेटा। तो इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स में चार पेयर बेटा आप याद रख लें, ये चार बातें आपने इनेंशियोमर्स में याद रख लेनी है, ठीक है, पेयर्स के बारे में देखें बेटा, प्लस लैक्टिक एंड माइनस लैक्टिक, ये आपके पास कौन सा रिलेशन शो करते हैं, ये आपस में इनेंशियोमर्स हैं। अच्छा जी, प्लस ग्लूकोज और आप ले लें माइनस ग्लूकोज, कौन सा रिलेशन होगा बेटा इनका, इनका भी आपस में इनेंशियोमेरिक रिलेशन होगा, प्लस फ्रक्टोज एंड माइनस फ्रक्टोज, इनका भी आपस में कौन सा रिलेशन होगा, इनेंशियोमेरिक होगा। अच्छा जी, प्लस टार्टारिक एंड मेरा बेटा माइनस टार्टारिक,
इनका आपस में कौन सा रिलेशन होगा, ये भी आपस में एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। तो इंटरेस्ट टेस्ट में ये चार पेयर बेटा आपने याद रख लेने हैं, प्लस माइनस का, लेकिन सेम कंपाउंड के लिए। प्लस लैक्टिक एसिड माइनस लैक्टिक एसिड आपस में इनेंशियोमर्स हैं, प्लस ग्लूकोज माइनस ग्लूकोज आपस में क्या है, इनेंशियोमर्स हैं, प्लस फ्रक्टोज माइनस फ्रक्टोज इनेंशियोमर्स हैं, प्लस टार्टारिक एसिड माइनस टार्टारिक एसिड आपके पास आपस में क्या है, इनेंशियोमर्स हैं। तो एक बात बेटा मैंने आपको बता दी इनेंशियोमर्स के मतलब। अब बेटा इससे अगली हम बात कर लेते हैं, और अब मैं बात करूंगा डायस्टीरियोमर्स के बारे में। अब डायस्टीरियोमर्स आपके पास क्या होते हैं, पहली चीज बेटा जी कि ये आपके पास नॉन मिरर इमेजेस, नॉन मिरर इमेजेस। दूसरी चीज नॉन सुपर इम्पोजिबल, कि वो नॉन मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। तो ये आपस में कौन सा रिलेशन रखेंगे, ये डायस्टीरियोमर्स बेटा आपस में कहलाएंगे। इसके बारे में भी चार पेयर्स बेटा आप जो हैं वो याद रख लें। पहला बेटा मैंने लिखा प्लस ग्लूकोज, एंड मैंने लिखा प्लस फ्रक्टोज। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दोनों ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, दोनों आइसोमर्स हैं, लेकिन ना ही ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और ना ही इन्हें एक दूसरे पे सुपर इम्पोज किया जा सकता है। इसी तरह मेरा बेटा आप प्लस फ्रक्टोज ले लें, एंड आप ले लें बेटा जी, आप यहां पर ले लें माइनस ग्लूकोज। अच्छा जी, ये चीज आप ले सकते हैं, आप मेरा बेटा माइनस ग्लूकोज ले लें एंड माइनस फ्रक्टोज ले लें। आप बेटा माइनस फ्रक्टोज ले लें और आप प्लस ग्लूकोज ले लें। ये चार पेयर बेटा इंटरेस्ट टेस्ट में आपने याद रखने हैं। ये आपस में रिलेशनशिप कौन सा यूज रखते हैं, ये डायस्टीरियोमेरिक आपस में रिलेशनशिप रखते हैं, कि ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। तो ये आपस में डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है मेरा बेटा, तो बिल्कुल इसे जरा आपने माइंड में रखना है, कभी इसे भुलाना नहीं है। अब इसके बाद मेरा बेटा मैं यहां पर एक बात कर लेता हूं मीजो कंपाउंड्स की, कि मीजो कंपाउंड्स मेरा बेटा क्या होते हैं, कि ऐसे कंपाउंड। अब देखते हैं, हम देखना चाहते हैं मीजो कंपाउंड्स को बेसिकली। तो मीजो कंपाउंड्स में बेटा पहली बात आप याद रखें, ये होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कि इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होती नहीं है। क्यों नहीं होती, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। कि इंटरनली एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होते हैं, दे पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। इनमें मेरा बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास इसमें मेरा बेटा क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो ये होते हैं हमारे पास मीजो कंपाउंड्स। अब एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जो बेटा मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं, इसे हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, पहली बात याद रखें बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन।
इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन हो रही होती है, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर की जनरेट होने वाली ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, यानी इसमें आप समझे हमसाए मारते हैं, रिश्तेदार मारते हैं, और मीजो कंपाउंड में घर वाले ही मारते हैं, मीजो में घर वाले मारते हैं, और आपके पास रेसमिक मिक्सचर में हमसाए मारते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब इसमें होता क्या है, इसमें बेटा 50% आपके पास होता है कौन सा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंड 50% मेरा बेटा कौन सा होता है, लीवोरोटेटरी। अगर ये रेशियो चेंज हो जाए तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, यानी इफ रेशियो चेंज, अगर रेशियो चेंज हो जाए यानी 50-50 से चेंज कर दें आप, मैं कह देता हूं 54% जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंड मेरा बेटा मैं कह देता हूं कि 46% जो है वो है लीवोरोटेटरी। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। समझ आ रही है बात? और इसको फिर हम कहेंगे पार्शियल रेसमिक मिक्सचर। तो क्लियर हुई कुछ मेरा बेटा बात? तो अब ये पार्शियल रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा आपके पास। जी बेटा, तो मुझे बताएं क्या ये बात आपको क्लियर हो चुकी है बेटा? हाँ जी, आप लोग yes, sir. ठीक हो गया। तो अब अगर ये क्लियर हो गई है तो अब मैं आपको बताता हूं कि वो आपको कैसे जो है वो किस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको देगा। वो देखें, आपको ऑब्जेक्टिव देगा कि ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, आपने बताना है कि कौन सी नहीं है। अल्फा मैं लिख रहा हूं बेटा जी। अच्छा जी, तो बेटा जी हम ये कह सकते हैं, अब इसमें चार स्टेटमेंट्स बेटा मैंने बनानी है, ऊपर वाली सारी बातों को। पहली मैं लिख रहा हूं बेटा जी, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। बीटा मैं लिख रहा हूं बेटा जी कि आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू डिसिमेट्रिक नेचर। चार्ली मैं लिख रहा हूं बेटा जी, रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से हो रहा है। और डेल्टा बेटा मैं लिख रहा हूं यहां पर कि प्लस लैक्टिक एसिड एंड माइनस लैक्टिक एसिड आपके पास आर डायस्टीरियोमर्स। हाँ जी, तो मुझे बताएं आप कौन सा आंसर होगा। शाबाश डेल्टा, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो देखें राइट आंसर डेल्टा है, क्योंकि ये डायस्टीरियोमर्स नहीं है बल्कि मेरा बेटा अभी मैंने आपको बताया है इनका आपस में रिलेशन कौन सा है, ये आपस में इनेंशियोमर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फंक्शनल ग्रुप के बारे में।
फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो फंक्शनल ग्रुप की अगर हम डेफिनेशन करें तो हमारे पास है एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर मल्टीपल बॉन्ड्स ड्यू टू विच वी कैन एक्सप्लेन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेटा क्या एक्सप्लेन कर सकें, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, ये वाली चीज है हमारे पास। अब फंक्शनल ग्रुप आपके पास बेटा जी, इसके बारे में अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इसमें सबसे पहली चीज, ये बेटा साइट है ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, कि ये वो कंपाउंड की वो साइट है जहां पर असल में रिएक्शन होता है, ठीक है। ये बेसिस प्रोवाइड करता है फॉर नेमिंग, प्रोवाइड्स बेसिस फॉर नेमिंग, कि नेमिंग कैसे की जाएगी उसके लिए मेरा बेटा ये बेसिस आपके पास क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसकी बेस पर हम फैमिलीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी वन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, वन फैमिली। और अगर आप कहें सेम फंक्शनल ग्रुप तो आप बेटा कह सकते हैं सेम जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूलाज क्या होंगे इनके, सेम होंगे, सेम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन होंगे, सेम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, आप सेम तरह से इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं ये बातें। अब इसके बाद मेरा बेटा यहां पर एक चीज मैं आप लोगों के लिए यहां देख लेता हूं, निकाल लेता हूं बेटा। अच्छा जी, सुमन किधर गई बेटा, ड्रॉप हो गई है? चलें अभी आ जाती है वो ना, मैं देख लेता हूं शायद इसका कोई इशू हो गया होगा। अब देखें फंक्शनल ग्रुप में मेरा बेटा, अब कुछ फंक्शनल ग्रुप बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास प्रायोरिटी लिस्ट बनती है, कि हम प्रायोरिटी लिस्ट इसकी देखना चाहते हैं बेटा। इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले बेटा हम कहते हैं COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी पहले मैंने लिखा फंक्शनल ग्रुप, फिर बेटा मैं लिखूंगा प्रीफिक्स जहां से ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा, और फिर मैं लिख रहा हूं सुफिक्स। अब COOH के प्रीफिक्स के तौर पर इसे क्या नेम देते हैं, इसे हम नेम देते हैं बेटा कार्बोक्सी, और सुफिक्स के तौर पर इसे क्या नेम देते हैं, ओइक एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके बाद अगर बेटा इस तरह से लिख दिया जाए, ठीक है, तो बेटा इसमें आपके पास प्रीफिक्स क्या होगा, ये होगा हेलो ऑयल, आपके पास हेलो ऑयल ग्रुप आपके पास बन जाएगा बेटा। हेलो क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और ओवाइल ऑयल सी डबल बॉन्ड ओ के लिए, और इसको लिए हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अल्क इन ऑयल, और आपके पास हेलाइड, एसिड हेलाइड्स आपके पास बनते हैं। फिर इसी तरह अगर सी डबल बॉन्ड ओ आपके पास हो, यहां एच हो, तो इसे कहेंगे बेटा फॉर्माइल, ये अब आपके पास फॉर्माइल ग्रुप होगा।
और बेटा इसे अगर आप वैसे कहेंगे तो ये अलका नल, एल इसका सुफिक्स बनेगा। अगर इस तरह से कीटोन हो जाएं, ये दोनों तरफ अब आपके पास लेफ्ट और राइट पर कार्बन है, अगर दोनों कीटोन हो जाए मेरा बेटा तो उसे कहते हैं ऑक्सो। प्रीफिक्स के तौर पर इसे ऑक्सो कहेंगे और सुफिक्स के तौर पर इसे वन लिखा जाएगा। इसी तरह मेरा बेटा इसके बाद अगर आप ले आए यहां पर OH, तो OH के लिए हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी। तो मेरा बेटा ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा। और यहां पर मेरा बेटा आपके पास इसे क्या आप लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं OL, अल्कोहल के लिए। अगर SHO तो याद रखें मेरकप्टो। आपके पास प्रीफिक्स के तौर पर मेरकप्टो और उस तरह थायोल, सुफिक्स के तौर पर अगर आएगा थाय। तो ये मैं जो बता रहा हूं ये बेटा बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, लाजमी तौर पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा। कैसे, पहले मैं इस लिस्ट को बना लूं तो फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो अब इसके बाद मरकिप्टो के बाद अगर बेटा हम बात करें तो हमारे पास कौन सी चीज आ जाती है मेरा बेटा, यहां पर आ जाता है NH2, इसे हम कहते हैं अमाइनो या इसे कहते हैं अमाइन। सुफिक्स के तौर पर लिखना है तो अमाइन, प्रीफिक्स के तौर पर लिखना है तो मेरा बेटा अमाइनो कहलाएगा ये। इसके बाद कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है मेरा बेटा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसे कहते हैं अल्क इन आयल, अल्किनाइल ग्रुप ये आपके पास कहलाएगा। और यहां पर जाहिर है इसका नेम इन बनेगा। और मेरा बेटा अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर इसे कहेंगे अल्क वाई एन, ई को रिप्लेस कर देंगे वाई एल के साथ, अल्काइन आयल। और यहां पर वाई एन ई सुफिक्स के तौर पर। और अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो मेरा बेटा इसे हम कहेंगे अल्काइल ग्रुप। और यहां पर आपके पास क्या होगा, ए एन ई। फिर आ जाते हैं हेलो। हेलो में अल्फाबेटिकली ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो। इसके लिए आप क्या लिखोगे, ब्रोमो। इसके लिए आप क्या लिखोगे बेटा, क्लोरो। इसके लिए आप क्या लिखोगे, फ्लोरो। इसके लिए आप क्या लिखोगे, आयोडो। और सबके लिए अब आपके पास सुफिक्स ए एन ई ही चलता रहेगा। और इसके एंड में अगर एनओ टू लिखें तो बेटा इसे कहते हैं नाइट्रो। और नाइट्रो के लिए भी फिर हम क्या लिखते हैं, ए एन। अब देखें ये प्रायोरिटी लिस्ट जो मैंने आपको बताई है ये आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टॉप प्रायोरिटी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को और लीस्ट प्रायोरिटी है नाइट्रो ग्रुप को। अभी इसमें कुछ एक दो मैंने स्किप भी किए हैं जिसे हम बाद में ऐड कर सकते हैं अपनी रिलेशन के लिहाज से, ठीक हो गया मेरा बेटा। अगर आपके पास बेटा इसी तरह से, अब देखें एक मैं एग्जांपल जो मिस कर गया हूं यहां पर नहीं लिख सका वो मैं लिख देता हूं बेटा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसे सयानो कहते हैं प्रीफिक्स के तौर पर और नाइट्राइल कहते हैं सुफिक्स के तौर पर। और ये आपके पास क्या है, प्रीफिक्स। वो आपके पास क्या है, सुफिक्स। अब आपको एंट्री टेस्ट में ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा इस तरह से, विच फंक्शनल ग्रुप, विच फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड आपके पास मरकप्टो। अल्फा ऑप्शन मेरा बेटा मैंने लिख दी OH, बीटा ऑप्शन बेटा मैंने लिख दी CN, चार्ली ऑप्शन बेटा मैंने लिख दी SH और डेल्टा ऑप्शन लिख दी C डबल बॉन्ड O। तो मुझे बताएं मरकप्टो ग्रुप इसमें से कौन सा है बेटा, शाबाश। तो ये बेसिकली चीज है। अब इस तरह से इंटरेस्ट टेस्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा। अच्छा जी, अब आपको दिया जा सकता है, सेकंड में यहां पर लिख देता हूं, फंक्शनल ग्रुप सी ट्रिपल बॉन्ड एन इज कॉल्ड,
अल्फा ऑप्शन बेटा मैं लिख देता हूँ सियानो, बीटा ऑप्शन मैं लिख देता हूँ बेटा जी आपके पास है नाइट्राइल, चार्ली ऑप्शन मैं लिख देता हूँ बोथ अल्फा एंड बीटा, डेल्टा ऑप्शन मैं लिख देता हूँ बेटा जी आपके पास यहाँ पर फॉर्माइल। तो मुझे बताएं कौन सा आंसर होगा बेटा, शाबाश, तो चार्ली यानी बोथ वाली आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। अब वो इसे मॉडिफाई करके इस तरह से भी दे सकता है जो मैं आपके लिए इस सेंस में लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो यहां पर। अच्छा जी, सुफिक्स यूज्ड फॉर एस एच इज अल्फा, बेटा जी मैंने यहां पर लिखा सियानो, बीटा मैंने लिखा मेरकैप्टो, चार्ली बेटा जी मैंने यहां पर लिखा थायोल, और डेल्टा मैंने लिखा नन ऑफ दीज। तो मुझे बताएं कौन सा आंसर होगा, शाबाश। तो ये चीज है बेटा, आप इस रेफरेंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बना के दिए जाएंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा, तो अभी बात जो है फिर हम यहां तक खत्म करते हैं। जो चीजें हमने पढ़ी हैं बेटा, डिस्कस की हैं, किसी बच्चे का उसमें से कोई क्वेश्चन? जी बेटा, जी सुमन बेटा, अनीजा, क्लियर होगी बेटा ये चीजें? हाँ जी सर, क्लियर है। यस सर, ठीक हो गया। तो ये बेटा आपने क्लासेस स्किप नहीं करनी, आपने पूरी क्लासेस लेनी है। इंशाल्लाह दो तीन लेक्चर्स के बाद आप हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज के, बड़ी आसानी से आपको चीजें भी क्लियर होंगी, और इंशाल्लाह एग्जाम जब एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका तो उसके बाद आप हमें दुआएं भी देंगे कि सर आपने बड़ी मेहनत की थी। ठीक है बेटा, तो कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप उससे रिलेटेड चीज जो है वो पूछ सकते हैं कि सर ये चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके बेटा जी, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।